मेरा नाम हिमांशु शर्मा है, मेरी एज 20 ईयर्स है, ते मैं तो अमृतसर लोकल ही हाँ। ते मैं बाहर स्टूडेंट सी कैनेडा च ब्रैमटन च, ते मैं उत्थे पार्ट टाइम वर्क कर रहा सी, नाल अपनी स्टडी करता पिया सी। ते जिथे मैं वर्क करता सी ग्लास कंपनी च, उत्थे मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरे उपर ग्लास डोर्स डिग गए, तो मेरी राइट हैंड राइट फोर आर्म तो कट लग गया, जिदे करके मेरा राइट हैंड बिल्कुल ही चलना बंद हो गया सी। ते फिर उस तो बाद उधर डॉक्टर ने दिखाया, ते उधर मैनू जो उन्होंने देखा, तो मेरा उन स्टिचिस लाए मेरे उत्ते। फिर उस तो बाद दो हफ्ते का टाइम दिता से कि 2 हफ्ते के ऑपरेशन कर देंगे, जिस तरह उन्होंने मतलब सही लगता, वो कहते कि ठीक है कि हाँ हो जाएगा, 2 हफ्ते का टाइम है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स ने तो फैमिली ने रिकमेंड किया, उत्तर अमनदीप हॉस्पिटल है, तो डॉक्टर अभी माजरा जो बहुत एक्सपीरियंसड है, तो बहुत वधिया आ, तो काफ़ी उन्होंने बारे सुनिया। तो फिर मैं अपनी फैमिली के फ्रेंड्स का सारे ने डिस्कस किया, फादर ना मदर ना कि करना। फिर वो कहते ना तेरी केयर करने वास्ते भी नहीं कोई नहीं होना, उत्तर स्टूडेंट है एक हिसाब का, तो ना उत्तर 2 हफ्ते टाइम थोड़ा ज़्यादा आया, सानू डर है, तो उदों तक असं भी नहीं सही महसूस करना, तू वापस आ जा। फिर मैं टिकट कराई, उतो इतने आ गया, जिस दिन मैं इतने आया तो मैं 10 तरीक न मैं पहुँच गया से अमृतसर, तो 10 नहीं मैंने एडमिट कर लिया इन्होंने, कि उस टाइम मतलब मेरी सारा उन्होंने देखना शुरू करता, मेरे एक्सीडेंट वगैरह हुए। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे अटेंडेंस है कि राइट फोरआर्म दे कट हो गए, जिद करके मेरा हाथ मूव नहीं करता सी। तो फिर हूँ 11 तरीक मेरी सर्जरी हुई, सर्जरी लगभग 4 घंटे चली सी मेरी, सारा उन्होंने डॉक्टर्स काफ़ी वो टीम से जिन्होंने मेरी सारा किया। तो सर्जरी तो बाद मैं दो तीन तीन दिन लगभग 3 दिन मैं रहा इतने, जिन्होंने उन्होंने देखा कि सब ठीक है। फिर सर्जरी तो बाद मैनू उन्होंने रिकमेंड किया कि सर्जरी तो 4 to 6 weeks के बाद मेरी फिजियोथेरेपी शुरू होएगी, जिद्द थोड़ी बहुत मेरी मेडिसिन सी, उस तो बाद मेरी बंद करा के जो मेरे स्टिचिस खुल गए, फिर उस हफ्ते बाद मेरी फिजियोथेरेपी शुरू हुई। फिजियोथेरेपी के नाल मैनू काफ़ी फर्क पाया, नाले बहुत वधिया मेरा इलाज होया। फिजियोथेरेपी को मेरी 1.5 महीने को चली है, जो मैं 2 टाइम कराई फिजियोथेरेपी अपनी, तो बहुत वधिया, नाल डॉक्टर्स भी दिखाता रहा, नाले बहुत वधिया मेरा टाइम सिर मैनू देखते रहे, ऐसा कि मैनू रिकमेंड करते कि करना की नहीं। तो हूँ 2.5 or 3 months मेरा सारा रिकवर हो गया, शायद मैं बाहर रहता तो मेरा इन्नी जल्दी ना रिकवर होता, क्योंकि मैं उत्थे अकेला सीगा, नाले कोई मेरी देखभाल करने वास्ते नहीं सी, ते डॉक्टर्स दी टीम सी पूरी, नाल फिजियोथेरेपिस्ट भी बहुत वधिया सी, ते मेरा हुण काफ़ी सही हो गया, ते हुण मैं वापस चल जावांगा। थैंक यू करदा मैं अमनदीप हॉस्पिटल के डॉक्टर अभी भाजन का, नाले फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी टीम का, कि मेरा इन्नी जल्दी मेरा उन्होंने कवर किया, तो मेरा बिल्कुल हाथ चल पाया सही, हूँ पहले बिल्कुल ही आस छे घर डर गए सी। सो थैंक यू मेरा इलाज करने वास्ते, तो बहुत वधिया मैंने लग्या इतने। तो मैं कहना चाहवागा कि मेरे वर्गे मेरे फ्रेंड्स जो भी है कि कल किसी ना भी कुछ भी होंगे इस तरह का, किसी की बात होंगे ज कुछ भी, डरन की लड़ नहीं, बस एक बार अमनदीप आओ, मैं रिकमेंड करता अमनदीप इन्ना वधिया हॉस्पिटल है, तुम जो मर्जी आए सही कर देगा, पूरी गरंटी है कि इतने काफ़ी हद तक हो जाता पेशेंट सही, भावें कट भी जाए काफ़ी बहुत वधिया इतने ट्रीटमेंट है, तो सब कुछ है, सारे इतने आन कि इधर उधर जाने की लड़ नहीं है, सब तो बेस्ट, तो मैं यही रिकमेंड करेगा यार, इतने इन्ने स्पैशलिस्ट डॉक्टर है हर वेले अवेलेबल होंगे, रात आओगे एमरजेंसी से भी तुम मिल जाएंगे। थैंक यू।